ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी लोगों को मेरी आंतरिक जय गुरु। वास्तविक मैं क्या आप लोगों के सामने बोलूं, मुझे तो कुछ उतना ज्ञान नहीं है, और खास करके कीर्तिदा खुद आश्रम में पैदा हुए हैं। श्री श्री बरदा, श्री श्री दादा का बहुत संग किए हैं, उनका उनका होते हुए मुझे उन्होंने आज रिक्वेस्ट किया था बोलने के लिए। ठीक है, मैं अपना जीवन का घटना, किस तरह से मैंने दीक्षा लिया और किस तरह दादा से मेरा भेंट हुआ और आज तक जो मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, इसका पीछे बाबाईदा का कितना मेहनत है, मैं बस अपना जीवन का कुछ घटना, कुछ अनुभूति ही बोलूंगा आप लोगों को। जैसा ठाकुर जी बोले हैं कि अविश्रांत मनोहि ब्रह्म जिज्ञासा करे नतुबा करे ना, हम सभी लोगों में कुछ ना कुछ दुख रहता है, जिस वजह से हम लोग मंदिर जाते हैं या इधर उधर घूमते हैं कि कैसे हमारे जीवन में शांति आए, या जो जो सब अपूर्णता है उसको हम लोग कैसे संपूर्ण कर सकते हैं, कौन सा माध्यम है, हम लोग ऐसा ढूंढते रहते हैं। मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मेरा एक दोस्त ठाकुर जी का दीक्षा के बारे में बोला और मैं ठाकुर जी का दीक्षा लिया, और कुछ महीनों के बाद भुवनेश्वर श्री श्री बाबाईदा आए हुए थे। तब मेरा श्री श्री ठाकुर जी के बारे में कुछ भी धारणा नहीं था, बस इतना सुना था कि श्री श्री ठाकुर सृष्टि करता है। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मन में एक बहुत मैंने मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो मेरा जीवन में मैं जिनको गुरु के रूप में ग्रहण किया हूँ वो ईश्वर है, वो सृष्टि करता है, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जीवन में ना कोई अनुभूति था, ना श्री श्री ठाकुर जी के ऊपर मेरा कोई ज्ञान था। भुवनेश्वर के मंदिर में 1997 नवंबर के महीने में मेरा दीक्षा का 2 महीने के बाद श्री श्री बाबाईदा आए थे। मैं सुना कि कोई ठाकुर परिवार आए हैं, तब तो कोई ज्ञान नहीं था, गया था बहुत उत्साह के साथ, गया था देखने के लिए कि ये जो ठाकुर परिवार हैं कैसे हैं। तो बाबाईदा को देखा, बहुत आश्चर्य लगा, तब उनको देख के बहुत आकर्षित महसूस हुआ, एक अजब तरीके का आकर्षण मैंने महसूस किया था उस दिन। फिर बाबाईदा से परिचय हुआ, फिर अगले 6 महीने के बाद जब देवघर किया तो पूज्यपाद बाबाईदा लेके पूज्यपाद दादा से परिचय किए थे, तभी से बाबाईदा पकड़ के रखे हैं। और आज तक आज जो टॉपिक है, जजन जाजन इष्टोभूति स्वस्तेनि सदाचार, या ये ठाकुर जी को सही सही मान के चलना, बहन करके चलना, मेरे लिए संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ अगर दादा नहीं होते और बाबाईदा नहीं होते, उन लोगों का गाइडेंस मुझे नहीं मिलता हर वक्त पल पल। आप लोग, मैं नहीं जानता, बहुत सारे लोग अपने साधन भजन के कारण बहुत कुछ मैंने अपने आप को मेंटेन करते हैं, मैं उस तरह का नहीं हूँ। और जब मैं धीरे 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 सत्संग गया, जैसे दादा श्यामलदा अभी बोल रहे थे जाजन के बारे में, जजन के बारे में, इष्टभूति के बारे में, दीक्षा हम लोग जब लेते हैं, हम लोगों को इष्टभूति नामधन करने के कैसे करना चाहिए वो बोला जाता है, और मैंने भी उसी तरह इष्टभूति शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा नामधन करता था। लेकिन जब सत्संग गया, लोगों का ऐसा जाजन सुना, सबको सुना मैंने, तो मुझे धीरे धीरे एक साइकोलॉजी अंदर डेवलप हुआ कि ये जो जाजन है, ठाकुर जी का बारे में बहुत कुछ, ठाकुर जी का जीवन का बारे में किताब पढ़ के हम लोग सत्संग में बोलना, शायद ये जाजन है। धीरे 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 मेरे मन में ये साइकोलॉजी आए। फिर कुछ दिन के बाद मैं देवघर गया तो बाबाईदा को प्रणाम किया, तो बाबाईदा अचानक से मेरे को बोले, जाजनटा की, जाजनटा माने कि बक बक हवा ना, जाजनटा माने हलो चरित्र। तब मुझे समझ में आया कि अरे ये तो बाबाईदा तो पूरा उल्टा बोल दिए। मेरा जो धारणा था कि किताब पढ़ के सिर्फ किताबी बातें बोलना यही जाजन है, उसको तुरंत से ही बाबाईदा काट दिए। तो फिर बाद में
जजन कैसे कैसे ठीक ठीक से करना चाहिए, नामधन करना चाहिए, ये सब मुझे नहीं कुछ पता नहीं था, क्योंकि ठाकुर जी का कुछ ऐसा बहुत कुछ किताब मैंने पढ़ा नहीं था। बाबा जी तो बहुत पीछे मेरे पीछे हमेशा लगते थे कि हम जैसे कॉन्फ्रेंस में ही बाबा दा सब लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों को ठाकुर जी का किताब पढ़ना चाहिए। और सच में ये बाबा दा का बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा दया है कि उनका वजह से या दादा का आशीर्वाद के वजह से मैं ठाकुर जी का किताब जब बाद में थोरली धीरे धीरे सब कुछ पढ़ने लगा, इतना सारा चीज ठाकुर जी बोले हैं जीवन की हर समस्या के बारे में, सब कुछ समाधान ठाकुर जी किताब में दिए हैं, जो कि बाबा दा बोलते हैं हम लोग कर्मी लोगों को कि यहाँ पर आके जो लोग बाबा दा के पास भीड़ करते हैं, दादा के पास भीड़ करते हैं, छोटा छोटा समस्या लेके, बाबा दा का कहना है कि हम कर्मी लोग अगर किताब पढ़ेंगे, जो जो समाधान ठाकुर जी किताब में दिए हैं जीवन का बहुत सारा समस्या के बारे में, अगर हम लोग सत्संग के माध्यम से गुरु भाई लोगों को ये सब बताएंगे, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए लोग जाके दादा और बाबा दा को परेशान करना बंद कर देंगे। और मेरा जो हुआ, किताब पढ़ना उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता था, लेकिन एक गजब का, मैं उसको माने भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, दादा के पास बैठना या बाबा जी के पास खड़ा होना, बस उनको ही देखना, शुरुआती दिनों में मुझे ये सब अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अंदर ही अंदर एक बहुत ही आकर्षण था। क्यों था, क्या था, किस कारण था, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो एक खींचा था, जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है, अननोइंगली मैं उनके तरफ खींचा जा रहा था। तो धीरे 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 बाबा दा जब किताब पढ़ने के लिए बहुत फोर्स करते थे, मेरे मन में यह साइकोलॉजी था कि मेरे पास तो मेरा जीवंत गुरु है, मुझे पास दादा है, आचार्य देव है, बाबा दा है, मुझे किताब पढ़ने का क्या जरूरत है। जब गुरु भाई लोगों के साथ बातचीत होता था, अगर कोई सवाल भी मेरे से कुछ कोई पूछता था, तो मैं तुरंत जाके वही सवाल बाबा दा को पूछता था कि दादा ऐसा ऐसा है, इसका उत्तर क्या है। तो एक बार बाबा दा बोले, थोड़ा चिढ़के बोले, सुबह उनका दर्शन प्रणाम निवेदन सब खत्म होने के बाद जब वो चाय पीते थे उनका माहौल में, तो मैं बोला कि दादा इस समस्या का समाधान क्या है, इसका उत्तर ठाकुर जी ने क्या दिया है। तो बाबा दा बोले कि ये ठाकुर जी का किताब में लिखा है, तुम पढ़ लेना। ये बात सुन के उस दिन, मुझे सच बोलता हूँ, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मेरा जो साइकोलॉजी था कि मेरा तो जीवंत गुरु है, दादा है, बाबा दा है मेरे पास, मैं क्यों किताब पढ़ूं। लेकिन जब बाबा दा ऐसा रोक ठोक बोल दिया कि इसका उत्तर किताब में है, तुम इसको पढ़ लेना, मुझे थोड़ा मन में मैंने चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। तो मैं मन में अपने आप भी ये सोचा हूँ, ये आज बोलना चाहता हूँ कि अब मैं तो देवघर आता हूँ, आपके पास आता हूँ, अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं देवघर आने का फायदा क्या। लेकिन जो भी हो, बाबा दा तो बार बार हमेशा बोलते रहे, तुझे पास दादा भी बोले, तो मैं उनका आशीर्वाद से बंगाली सीखा, मैं कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, ये भी और एक बहुत बड़ा घटना है, मेरे को बंगाली नहीं आता था, बहुत साल कोशिश हुआ, ऐसा अवहेला के कारण मैं बंगाली नहीं सीख पाया, लेकिन एक टूर में पूज्य पाठ दादा बाबा दा को बोले कि उसको बोल बंगाली में दीक्षा देना सीख जाए। मेरे को लगा कि मैं तो बंगाल में फील्ड वर्क नहीं करता हूँ, दादा मेरे को क्यों प्रेशराइज करते हैं, तो मैंने ये बंगाली में दीक्षा देने का सीखने के लिए, बंगाली भाषा जानने के लिए। तो उसी नाट मंडप में मैं पूज्य पाठ बाबा दा को बोला था कि दादा 12-13 साल हो गया मैं बंगाली का किताब लेके और आ सीख पाया हूँ। तो वो भी बात कन्वे किए पूज्य पाठ दादा को, बहुत मैंने समय लगा। फिर मैं जब दादा की ये बात बोले कि बंगाली में दीक्षा देना सीखने के लिए, मैं पूजनीय सिपाही दा से भी बात किया, पूजनीय सिपाही दा बहुत मैंने अच्छा बात बोले कि देख बाबा केनो तो के बोले छन ये बंगालीता सीखते, कारण तुई जदि थ्योरीटा जानबी ना, प्रैक्टिस की रकम कर। देखिए किस तरह मेरा साइकोलॉजी को वो धीरे धीरे परिवर्तन किए, मैं वही बात अपना अनुभूति बता रहा हूं कि जो मेरा जो
साइकोलॉजी था कि मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। तो सिपाहीदा भी वही बात बोले कि प्रैक्टिस करने के लिए, ठाकुर जी को पकड़ के सही सही प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें बंगाली सीखना पड़ेगा और ठाकुर जी का सब किताब पढ़ना पड़ेगा। अनलेस यू नो द थ्योरी हाउ यू विल प्रैक्टिस इट। बोले अरे दादा, तो इसीलिए बाबा मेरे को बोले कि बंगाली में दीक्षा देने का बाद, तो फिर बोले कि देखो आचार्य देव इंगितज्ञ होते हैं, वो किसी को भी कोई बात डायरेक्टली बोलते नहीं है, किसी का मन मन को आघात लगे ऐसा बात बोलते नहीं है, वो तुमको इंडिकेशन दिए कि तू बंगाली लैंग्वेज सीखो। और वहां पे ऐसा मैंने मन में ऐसा जिद आया, ऐसे चमत्कार हुआ, मैं गया पब्लिशिंग से ठाकुर जी का सब किताब खरीदा और धीरे 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 उसको पढ़ने लगा। और इसी तरह ही मेरा ठाकुर जी का किताब पढ़ना शुरू हुआ, जतन शुरू हुआ। इष्टभूति के बारे में मैं भी बाबैदा से डिस्कस किया, फिर ठाकुर जी का किताब पढ़ा। दो चार बातें मैं बस इष्टभूति के बारे में बोलना चाहूंगा, दादा ने भी बहुत कुछ कहा है। ये जो इष्टभूति है, ठाकुर जी इसके बारे में बोले हैं ये कि शिष्य का काम है गुरु का पालन पोषण भरण करना। एक चीज अगर हम लोग सोचे कि हम तो अपना जीवन में हम लोगों का बहुत सारा अभाव है, हम क्या गुरु का पालन पोषण भरण करेंगे, इसका महत्व को हम लोगों को समझना पड़ेगा। दीक्षा जैसे दादा ने बोला, दीक्षा हम लोग इसीलिए लेते हैं कि ठाकुर जी का भाषा में ठाकुर जी जो बोले हैं, दीक्षा लेने से दक्षता बढ़ता है। और ये जो दक्षता बढ़ता है ये कैसे बढ़ता है, ठाकुर जी का जजन जाजन इष्टवृत्ति सुस्तनी सदाचार पालन करने से, इससे ठाकुर जी का क्या फायदा होता है मैं तो यह आज तक समझ नहीं पाया हूं। लेकिन ये सब करने से हम लोगों का फायदा होता है, हम लोगों का योग्यता बढ़ता है। जैसे इष्टभूति के बारे में अगर एक बात ये भी बोला गया है कि ये सामर्थ्य योग्य, इसको करने से आदमी का सामर्थ्य बढ़ता है, उसका इनकम बढ़ता है। कैसे, अगर ठाकुर जी का जो फिलोसफी है, ठाकुर जी यही बोलना चाहते हैं, जो शिष्य जो कोई भी दीक्षा लेके वॉल्यूंटरली अपने गुरु का काम के लिए, जैसा सामलदा अभी बोले कि हम लोगों को ठाकुर जी का काम को बहुत आगे बढ़ाना है, उसी तरह एक आम आदमी जैसा हम लोग एक आम इंसान के तरह हम लोग जीते थे, अपना छोटा छोटा परेशानियों को लेके हम लोग बहुत उसको बड़ा सोच लेते थे। जब दीक्षा लेने के बाद हम लोग को ये फिलोसफी मालूम पड़ा कि हमको ठाकुर जी को बहन करके चलना है, पहले पहले तो ऐसा लगता था कि यार मेरा तो इनकम नहीं है, मेरा जीवन में इतना समस्या था, इसीलिए तो मैं दीक्षा लिया, ऊपर से उल्टा ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम मेरे को उठा के लेके चलो। हमारा उड़ीसा में जगन्नाथ जी फेमस है, जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है पैर नहीं है, और इसका तात्पर्य श्री ठाकुर जी उसको आलोचना में उसको समझाए हैं कि जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे उनको बोलते हैं दारू ब्रह्मा, मतलब क्या है, वो लोग उनका हाथ पर नहीं है, वो किसी को पकड़ नहीं सकते हैं, आपको अपना निष्ठा से उनको पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका मंगल होगा। उसी तरह गुरु के लिए जो वॉल्यूंटरली काम करेगा, अपने आप को निछावर करेगा, गुरु के लिए खर्चा करेगा, गुरु के लिए इष्टवृत्ति करेगा, ऑटोमेटिकली गुरु उसको, जैसा दादा बोले कि इससे कर्म फल खंडित होता है। हम जो अपना पिछला जन्म में इतना सब बुरा कर्म किए हैं उसका खंडन करने के लिए ही आज ठाकुर जी हम लोगों को ये बहुत बड़ा आशीर्वाद दिए हैं इष्टवृत्ति के स्वरूप में। लेकिन ये जो इष्टवृत्ति को सही सही करने के लिए एक चीज है, हमको निष्ठा दिखाना पड़ेगा। कुछ निष्ठा यह है कि हम लोग रोज उसको सुबह सूर्य उदय से पहले हमको करना पड़ेगा, और इष्टवृत्ति हमको उसको क्रमवर्धनशील जिसको बोलते हैं उसको कंटिन्यूअसली उस अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इष्टवृत्ति जब हम लोग दीक्षा लिए थे तब मैं भी शायद मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ पैसा इष्टवृत्ति करता था जब दीक्षा लिया था, लेकिन
जब मैं मुझे पता चला, ठाकुर जी का किताब पढ़ा, मुझे पता चला कि उसको बढ़ाते रहना चाहिए, उसको कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहना चाहिए, तो इससे क्या होगा, आपका योग्यता बढ़ेगा, आपका सामर्थ्य योग बनेगा, क्योंकि ठाकुर जी ईश्वर है, वो किसी से कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। जैसा आप लोग भी पढ़े हैं, कहीं सत्संग में ये बात सुने होंगे कि अगर गंगा के जल में हम लोग डुबकी लगाते हुए गंगा का जल हाथ में लेके मंत्र पढ़ के अगर गंगा में ही दान करते हैं तो गंगा को हम लोग क्या दिए। उसी तरह इस सृष्टि में हम लोग पैदा हुए हैं, ठाकुर जी का इस सृष्टि में सब कुछ ठाकुर जी का है, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों को आबाद करने के लिए। हमारे जीवन में बहुत सारा पैसे का अभाव है, और पूज्यपाद दादा, जैसे दादा का बात अभी दादा बोले कि पूज्यपाद दादा का मुंह से मैं ये बार बार ये मुंह से सुना हूं, अमर नित्य जानी ना, परमपिता का भंडार इतना भरा हुआ है, इतना विशाल है, उसको अगर हम हर कोई विश्व में जितना भी आदमी है, हर कोई अगर उसे लेना शुरू कर देगा तो वो भंडार खत्म नहीं होगा, वो परमपिता का भंडार इतना बड़ा भंडार है। इसीलिए दादा बोलते हैं आम्रा नित्य जानिना, किस तरह लेना चाहिए, किस तरह आशीर्वाद लेना चाहिए, ये हमको मालूम नहीं है। हम अपना अगर इष्ट वृत्ति को हम फिक्स रखते हैं, मैं जब दीक्षा लिया था तब 1 रुपया करता था, आज 25 साल के बाद भी वही 1 रुपया इष्ट वृत्ति करता हूं। ठाकुर जी क्या बोले हैं, आप लोग अपना जैसा परिवार में 5 आदमी हम लोग अगर हैं, मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा माँ, हम लोग अगर परिवार में अगर 5 आदमी है, हम लोग का एक बजट है, हम लोग खाते पीते सब कुछ करते हैं, सिनेमा देखते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके लिए बहुत सारा पैसा भी खर्चा होता है। ठाकुर जी बोले हैं तुम मुझे कुछ ज्यादा मत दो, तुम अपना पेट काट के भी मत दो, ऐसा भी ठाकुर जी का बोला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा वयस्क दादा लोग भी ऑनलाइन शायद जुड़े हुए होंगे, किताब में ऐसा लिखा हुआ है, ठाकुर जी को ऐसा भी पूछा गया है कि ठाकुर जी अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है वो कैसा स्तुति करेगा। ठाकुर जी बोले आपद धर्म में बहुत सारा लोगों का ऐसा घटना हम लोग सत्संग में सुने हैं, कोई एक रेत हाथ में रेत लेके इष्टवृत्ति का भी किया है, किसी ने फल इष्टवृत्ति किया है। ठाकुर जी ऐसा भी बोले हैं एट द वर्स्ट केस अगर तुमको कुछ नहीं मिले, हवा हवा को भी तुम मंत्र पढ़ के परमपिता को निवेदन कर सकते हो एट द वर्स्ट केस, लेकिन वाणी यह कहता है सामर्थ्य को अपलाप करके इष्टवृत्ति मत करो। मतलब मेरा इनकम है, जैसा मैंने बोला, मेरा बीवी बच्चा, मेरा माँ, मेरा भाई, मेरे लिए पैसा है, सिनेमा देखने के लिए पैसा है, पार्क जाने के लिए पैसा है, खाने के लिए पैसा है, रेस्टोरेंट में खाने के लिए पैसा है, महीने में कितना बजट खर्चा होता है। हम ठाकुर जी बस इतना बोले हैं कि मैं भी तुम लोगों का परिवार का एक व्यक्ति हूं, और इष्टवृत्ति ठाकुर जी का जो वाणी कहता है कि एक आदमी 2 टाइम जिस तरह खा सकेगा उसी परिमाण का, उसी अमाउंट का हमको इष्टवृत्ति करना पड़ेगा। आज आप सोचिए 5 रुपए में 10 रुपए में भी कोई आदमी 2 वक्त की खाना जुगाड़ कर दे, मैं मान जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं किसी को कि आप अगर इतना अमाउंट इष्टवृत्ति करेंगे तो परमपिता आपको आशीर्वाद करेंगे, ऐसा नहीं है। वाणी यह कहता है कि सामर्थ्य को अपलाप करके इष्टवृत्ति मत कीजिए। आपके पास सामर्थ्य है, हर चीज के लिए सामर्थ्य है, बस ठाकुर जी का इष्टवृत्ति करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, यह कपटता है, और मैं सोचता हूं इससे ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ईश्वर माने विधि। हम अगर ऐसा देख आप एक कंपैरिजन कीजिए, एक आदमी कितना कमाता है और उसका परसेंटेज कितना परमपिता के लिए निछावर करता है, उसके ऊपर तो उसको आशीर्वाद मिलेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, दादा के पास रहते रहते गुरी परिवार लोगों का संग करते करते बहुत सारा घटना मैंने देखा हूं, जैसा दादा बोले एक घटना भी बोले, इष्टवृत्ति से उसका रक्षा हुआ, ठीक है।
अरे भाई, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या कोई आज तक सत्संग का कर्मी एक्सीडेंट पे मरा नहीं है? दादा से जुड़े हुए लोग भी, उनका परिवार भी एक्सीडेंट में मरा है। बहुत से नजदीक वाले ऋतिक दादा भी लोग भी एक्सीडेंट में मरते हैं। तो यहाँ पे क्या इष्टपति काम नहीं देता है? बात ये नहीं है, लेकिन बात को हम लोगों को सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। इष्टपति सही तरह से मैं अपना खुद का एक संशय आया था मन में, वो घटना शेयर करना चाहूंगा, जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, वो ऋतिक दादा का नाम मैं नहीं बोलना चाहता, वो पूज्यपाद दादा के बहुत करीबी हैं। क्या हुआ, अचानक से मैं देवघर गया हूँ, मेरे को खबर मिला कि उनका पति और उनका सॉरी उनका वाइफ, उनका पत्नी और उनका बेटी का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, स्पॉट डेथ। उनको कार में ये लोग फैमिली जा रहे थे, ट्रक मार दिया, दोनों पत्नी और बेटी दोनों स्पॉट डेथ हो गए। मैं बच्चा हूं, मेरे मन में तो उतना ज्ञान नहीं है भी, मैं जैसे बोला कि इन लोगों का संग करके धीरे धीरे से मैं सीखा हूं सब कुछ। तो मेरे मन में ये पहला सवाल आया कि पूज्यपाद दादा का ये गुरु भाई बहुत करीब था। ऐसा नहीं है कि वो कोई अनजान गुरु भाई है, मैं जानता हूं, मेरा इतना विश्वास है, जीवन का इतना घटना है, मैं बोल नहीं पाऊंगा इतना सीमित समय में, लेकिन जीवन का इतना अनुभूति हो चुका है दादा को, बाबैदा को लेके, कि वो लोग सब कुछ जान पाते हैं, उनको सब कुछ मालूम है। हम लोग घर में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, जीवन में हम लोगों का क्या चलन है, अब उनको छुपा नहीं सकते हैं। मेरे को बाबैदा एक बार बोले बोले थे ऐसा, मेरे को एक बात बोलने में दादा को लज्जा महसूस हो रहा था, तो नाट मंडप में बाबैदा बोले कि किरे तो के तो बाबा नेंगता देखछन, हम सभी उनके सामने उलगने हैं, कुछ छुपा नहीं सकते हैं। हम छुपाने से गुरु को, गुरु का आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा। तो ये जो घटना हुआ, तो उसके बाद में मेरे मन में ये प्रश्न इष्टमूर्ति को लेकर भी प्रश्न आया। गुवाहाटी में तभी एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था शायद 2006 में, फिर हुआ 2012 एंड रिसेंटली 2018 में गुवाहाटी में कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो आई थिंक इन द ईयर 2006 और समथिंग लाइक दैट, तो मैं पूजनीय बिंकीदा को पूछा, दादा एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये जो ऐसा घटना हुआ, मैं बहुत दुखित हूँ इस घटना से। बोले क्यों? बोले दादा ये तो बाबा का इतना नजदीक में थे, तो इनका जो इतना उनका पत्नी और बेटी ऐसा एक्सीडेंट में मर गए, तो बाबा ऐसा पहले से उनको बोल क्यों नहीं दिए? और फिर अगर हम लोग ठाकुर जी का इष्टवृत्ति करते हैं, हम लोग जाजन करते हैं, जजन जाजन इष्टवृत्ति कर ले काटे महावीति, तो हम लोग एक धारणा ऐसा बना हुआ है इष्टवृत्ति करने से हम लोग अमर बन जाएंगे, और ये तो गुरु भाई तो मर गया। तो तुरंत जिंकिदा इसका उत्तर ये दिए थे कि इष्टवृत्ति करते हैं ठीक है, लेकिन उसका भी मात्रा है। मात्रा मतलब जिस भाव से आप स्तुति करते हैं, जैसा मैंने बोला, अपना जीवन में अगर कोई सही, मेरे को तभी इतना ज्ञान नहीं था, मैं ठाकुर जी का किताब नहीं पढ़ा था, इस विषय में मैंने रिसर्च किया, ठाकुर जी का पूरा किताब सब थरोली पढ़ने का चेष्टा किया, आज भी करता हूँ कंपैरेटिवली, और दूसरा किताब भी पढ़ता हूँ। तो धीरे 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 मुझे मालूम हुआ कि व्हाट इज स्तुति, सही स्तुति क्या है। सही स्तुति यह है कि सूर्य उदय से पहले आपको करना पड़ेगा, 30 दिन करना पड़ेगा, जिस दिन 30 दिन होगा उसी दिन आप बिना खाए पिए, बिना कुछ जल ग्रहण किए पहले उस स्तुति को निवेदन करेंगे। जब 30 दिन होगा तो उसी दिन आपको ये मन में भाव रखना पड़ेगा, ठाकुर जी बोले कि आपका पिताजी भूखा बैठा हुआ है, आपका बूढ़ा बाप भूखा बैठा हुआ है दूर, आपको पहले उनको उसी भाव को लेके इष्टभूति भेजना पड़ेगा, फिर गुरु भाई दो गुरु भाई को भातृभोज्य देना पड़ेगा, फिर जाके आप ठाकुर प्रणाम करके जल ग्रहण कर सकते हैं, ये निष्ठा रखना पड़ेगा। एक बढ़िया बात, एक बार डिस्कशन में पूजनीय सिपाहीदा बोल रहे थे कि मान लो आज तुम्हारा 30 दिन हुआ, इष्टभूति हुआ, तुम काम किए, क्या किए, सुबह सुबह
बच्चे लोगों को अगर स्कूल जाना पड़ता है, बच्चे लोगों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। तुम बोले हाँ ठीक है, आज 30 तारीख 30 दिन हुआ, मेरा इष्टपूर्ति है, मंदिर जाके इष्टपूर्ति दूंगा। तुम क्या किए, पहले अपना बच्चे को लेके स्कूल में ड्रॉप किए, उसका बाद में जाके इष्टपूर्ति मंदिर में जमा किए। लेकिन ये सही इष्टपूर्ति नहीं हुआ। जिस तरह वो मंत्र कहता है, सर्व कार्येभ्यः तदेव, हर दिन पहला काम हम लोगों का होता है इष्टवृत्ति करना। उसी तरह जब जिस दिन 30 दिन कंप्लीट होता है, पृथ्वी में 30 दिन, देवलोक में 1 दिन होता है, तो हम जब 30 दिन में एक बार इष्टवृत्ति भोग लगाते हैं, देवलोक में वो 1 दिन का भोग होता है। तो उसी तरह अगर हम लोग रोज सुबह उठ के कुछ काम नहीं, माने कुछ ही काम शुरू करने से पहले हम लोग पहले जिस तरह निवेदन करते हैं, जब 30 दिन कंप्लीट होगा उसी दिन पहले ही हमें जाके मंदिर में पहला काम ये होगा, निष्ठा से हम जल ग्रहण नहीं करके पहले जाके ठाकुर जी का इष्टमूर्ति जमा करेंगे। फिलांथ्रोपी का काउंटर 7 बजे से इवनिंग 6 बजे तक खुलता है। मैं देखता हूँ लोग दोपहर तक इवनिंग तक इष्टमूर्ति जमा करते, ये कहाँ का इष्टमूर्ति है भाई। इष्टमूर्ति सुबह सुबह जमा करना पड़ेगा, पहला काम ही है। जिस दिन 30 दिन कंप्लीट होगा मुझे पहला जाना है, चाहे जितना भी मेरा काम रहे लेकिन मैं पहले जाऊंगा, इष्टवृत्ति करूंगा। और ये जो बात, और एक बात है कि उसको कंटिन्यूअसली मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा सामर्थ्य नहीं है चलेगा, ठाकुर जी इसमें कोई किसी को बाध्य बाधकता नहीं किए हैं। मैं ये आई रिपीट, दिस इज नॉट ए कंपल्सन। ठाकुर जी कहीं पर ऐसा बोले नहीं है, दिस इज नॉट अटल ए गिव एंड टेक रिलेशनशिप, आप इतना देंगे तो आपको इतना परमपिता लौटाएंगे, ये बिल्कुल इष्टभूति के बारे में ये मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन वाणी ये कहता है कि सामर्थ्य को अपलाप करके आप इष्टभूति मत कीजिए। मेरा जितना सामर्थ्य है मैं परिवार के लिए खर्चा करता हूँ, मेरा इनकम का, मैं इनकम का एक मेजर पोर्शन पहले मैं अपना गुरु जी को दूंगा, पहले मैं ठाकुर जी का भोग के लिए रखूंगा, बाद में मैं अपना परिवार का भरण पोषण भी करूंगा। क्योंकि मेरा ठाकुर जितना इंपोर्टेंट है, मेरा परिवार भी उतना इंपोर्टेंट है। ठाकुर जी का ये साफ बोला हुआ है, पेटेर ऊपर वाणिज्य करे इष्टवृत्ति कर बिना। अपना बीवी बच्चा को भूखा रख के, माँ को भूखा रख के मैं ठाकुर जी का इष्टवृत्ति करूंगा, ये भी ठाकुर जी नहीं बोले। मेरा ये कहना है कि जो जितना मैं खाता हूँ, हम घर में जो लोग खाते हैं, जिस तरह हम लोग खाते हैं, उसी तरह हमारा परिवार में ठाकुर जी भी मेरा एक सदस्य है। और ठाकुर जी आज का डेट में उनको 2 टाइम का मील खाने के लिए कम जितना पैसा खर्चा होगा, कम से कम मैं उतना इष्टवृत्ति करूंगा। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। मुझे ठीक है, आपसे ले चलो भाव। अगर कोई ज्यादा कर सकता है तो बहुत ही अच्छा है, जैसा ठाकुर जी बोले हैं उसको बढ़ाते रहना चाहिए। और एक चीज है कि जैसा हम लोग आज, जैसा मेन टॉपिक है कि हम लोग आचार्य संग करने से हम लोगों का दीक्षा पालन सही सही होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि शुरुआती दिनों में मैं जजन के बारे में क्या सोचता था, जजन के बारे में क्या सोचता था, किताब नहीं पढ़ता था, नामधन नहीं करता था, और दादा बाबा इधर का दया है फिर भी वो लोग मेरे को पास में रखते थे। और धीरे 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 मेरा मानसिकता का परिवर्तन हुआ, उन लोगों का संग करके, उन लोगों का संघात में आके। पूज्यपाद बाबा इधर ये हमेशा बोलते हैं, ठाकुर जी का भी बोला हुआ है कि इवोल्यूशन मीन्स कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप आचार्य के संघात में नहीं आएंगे तो आपका जो चिंता है, जो आप जिस तरह आपका सोच है, आपका साइकोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत सारा जीवन का घटना है कि मेरा जो साइकोलॉजी था किस तरह था, और आचार्य देव का संग करने से धीरे धीरे वो कैसे उसको परिवर्तन किए। मैं अपना एक फॉल्ट के बारे में बोलता हूँ, जीवन का एक मेरा एक ऐसा भूल है, मेरा बचपन से एक ऐसा साइकोलॉजी रहा है, मैं बहुत रिवेंज माइंडेड हूँ। कोई अगर मुझे परेशान करता है, या मैं वैसे दूसरों का खेती करने में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन कोई अगर किसी को ऑडासिटी है, वो अगर जो कहते हैं ना उंगली करना,
मेरा ये सोचना है कि कोई अगर मुझे उंगली करेगा मैं उसका हाथ उखाड़ दूंगा। मैं किसी को उंगली करने में विश्वास नहीं करता हूं। अगर किसी में इतना हिम्मत है कि वो मुझे उंगली करेगा उसका हाथ में उखाड़ दूंगा, ये मेरा प्रिंसिपल था। जब ठाकुर जी का दीक्षा लिया लॉन्ग ईयर्स बैक इन आई थिंक इट इज इन द ईयर 2002 और 2003, दादा पूरी आए थे। मेरा ये बचपन का ये सोचना है कि भला हो या बुरा हो मैं किसी का ऋणी नहीं रहूंगा। अगर कोई मेरा दोस्त, कोई जानकार या मेरा कोई रिलेटिव मेरा अच्छा करता है तो मैं भी उसको वापस देने में बिलीव करता हूँ, उसका अच्छाई लौटाने में बिलीव करता हूँ। अगर कोई बुरा करता है उसको भी सूल समेत देने में विश्वास करता था। तो ऐसा मेरा सोच था कि अगर मेरे प्रति कोई अन्याय करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तो अन्याय का हिसाब उसको चुकता करना पड़ेगा। तो पुरी में क्या हुआ, 2003 में पूज्यपाद दादा थे, एक महीना तक थे। तो उस समय क्या दादा किए, बचपन से मेरे माता पिता लोग मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाए हैं, मेरे को खाने में बहुत इंटरेस्ट है। तो दादा मेरे को रोज प्रेयर के बाद, दर्शन प्रणाम के बाद गाड़ी निकालते थे। गौर भाई था, गौर भाई को बोलते थे गौर गाड़ी निकालो, खुद अपना पर्स निकालते थे, मुझे बुलाते थे और हम तीन लोग पूरी शहर में घूमते थे। और दादा मेरे को बहुत अच्छा अच्छा चीज खिलाए, बहुत अच्छा अच्छा चीज रेगुलरली मेरे को पूरा माने सुबह से घुमा 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 के जितना सारा मिठाई, बहुत वैरायटी का खाना सब खिलाते थे। ऐसा चला कंटिन्यूअसली, मुझे लगता है एक महीना ऐसा खिलाए। एक महीने इसे खिलाने के बाद एक दिन दादा बहुत ही प्यार से अति माने कोमलता से दादा बोले, सुन जे अन्याय करे कखनो भाबी ना ताके साबाड़ कर भी। तीनी ऐसे छन एबार दया करते, तीनी जदि दया करबेन ना आमियो निश्वास नीते पारबो ना। इसको हिंदी में बोलता हूं मैं, अगर किसी को बंगाली समझ में नहीं आया, दादा ये बोले, सुन तू अगर अपना मन में सोचता है कि अगर किसी ने अन्याय किया है तू उसको साबाड़ करेगा, उसको ठीक करेगा, उसको मारेगा, उसको दंडित करेगा, ये ठीक नहीं। इस बार परम दयाल वो आए हैं दूसरों के ऊपर सिर्फ दया करने के लिए। अगर आज दयाल ठाकुर दया नहीं करेंगे तो मैं भी सांस नहीं ले सकता। और एक कथा हलो मानुष के, जैसा अभी श्यामलदा बोल रहे थे कि हम लोगों को अपना आचरण से दूसरों को दिखाना पड़ेगा और उनको सही रास्ते में लाना पड़ेगा। तो दादा भी उसी तरह बोले कि अन्य के यदि ठीक रास्ता है तुई आनते चास ताहले मानुष के सहय करते होबे, ताके साथे रखते होबे। श्री श्री ठाकुर भी जब थे, हम लोग किताब में आज पढ़ते हैं, बहुत सारा ऐसा लोग ठाकुर जी के आश्रम में थे जिनको लेके बहुत से लोग सवाल उठाते थे, अरे यार ये तो चोर है, ये तो शराबी है, ठाकुर जी क्यों उसको अपना पास में रखे हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि अगर दादा के पास मैं एक चीज देखा हूं, बाबा दादा के पास एक चीज देखा हूं, एक आदमी को सुधारने के लिए, उसको सही राह पर लाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे यहां पर समाज क्या बोल रहा है, क्या कुछ रटना कर रहा है उनके बारे में, उनको उसके बारे में कोई वो परवाह ही नहीं करता है। उसको एक चीज है, उनको उनका भीतर में जितना मैंने अनुभव किया है इतना प्रेम उनका भीतर में है, इतना प्रेम वो देते हैं, इससे आदमी बाध्य होगा परिवर्तन होने के लिए। और जिस दिन दादा ये बोले कि तुम ऐसा मत करना, तब उनका बातों का ऐसा प्रभाव निश्चित रूप से मेरे ऊपर पड़ा कि नहीं ये ठीक नहीं है। अगर दादा ऐसा बोलते हैं कि ठाकुर जी दया करने के लिए आए हैं तो मैं आज से किसी को दंडित करने के लिए मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। नहीं तो मेरा मन में बहुत जिद रहता था कि नहीं उसने मुझे मारा है, मैं उसको मारूंगा, ये मेरा प्रिंसिपल था। लेकिन जब दादा ऐसा बोले
तो धीरे 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 मेरा मन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया। और आज भी जब भी कोई गलत चिंता मन में आता है या कुछ गलत करता हूं तो ऑब्वियसली भावेदा से डांट पड़ता है। मेरा यह कहना है कि हम सब कोई दूध के धुले हुए नहीं है, हम में गलतियां बहुत हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। टू ऑर इज ह्यूमन, जैसा बोलते हैं कि टू ऑर इज ह्यूमन। लेकिन एक फायदा यह है, मेरा जीवन में इतना फायदा हुआ है, मेरे जैसा, मैं ये एडमिट करता हूं कि मेरे जैसा निकृष्ट आदमी कोई नहीं होगा सत्संग में। मैं सबसे सब लोगों से ज्यादा निकृष्ट हूं, लेकिन फिर भी दया करके दादा बाबैदा ये लोग मुझे अपना पास में रखे हैं। और धीरे 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 समय अनुसार मेरा मानसिकता में कैसे परिवर्तन आए, हमेशा उन लोगों ने वही चेष्टा किया है। मैं कुछ चीजें करने में समर्थ हुआ हूं और कुछ चीजें करने के लिए चेष्टा भी कर रहा हूं अभी से। जैसे मैंने बोला, मैं अपना एक और एक दुर्बलता के बारे में बोलूंगा, जैसा खाना, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। एक एक समय में मैं देवघर में आनंद बाजार करके भी जाके, जैसे मैंने बोला कि हमेशा मेरे को दादा अच्छा अच्छा चीज खिलाते थे, और लेकिन बाबैदा ये चीज बिल्कुल बाबैदा पसंद नहीं करते थे। बाबैदा बहुत गुस्सा करते थे कि तुम कम खाओ, तुम कम खाओ। मुझे मन में बहुत गुस्सा आता था, क्यों ऐसा बाबैदा बोलते हैं? अगर सृष्टि में पैदा हुआ हूं तो खाने में क्या बुराई है? परमपिता इतना अच्छा अच्छा चीज क्यों बनाए हैं? तो हम लोगों का खाने के लिए तो बनाए हैं। बाबैदा मेरा खाना देखेंगे तो हमेशा गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि दादा अपना रसोई घर में मेरे को बुला के खिलाते थे, जो हमेशा अलग अलग आइटम बना के मेरे को खिलाते थे। लेकिन जब भी देखेंगे कि मेरे रसोई घर में बैठ के अगर कुछ माने मेरा खाने का सीन अगर बाबैदा देख लेते तो बाबैदा का गुस्सा आ जाता था। खाने बहुत से खाचे आज के वो खाचे। मेरे मन में ये सवाल मेरे मन में आया कि आचार्य देव मेरे को खिलाते हैं लेकिन बाबैदा ऐसा गुस्सा क्यों होते है? मेरे को कुछ समझ में तभी नहीं आया। जब ठाकुर जी का किताब पढ़ा तभी जाके धीरे धीरे समझ में आया। एक चीज देखिए, मैं अपना एक घटना बोलूंगा। मैं देवघर में आनंद बाजार में भी खिचड़ी खाके, भरपेट खिचड़ी खाके तब बाजार जाता था। एक फेमस दुकान है रसगुल्ला का, अवंती का, वहां पे बहुत अच्छा रसगुल्ला मिलता है। भरपेट खिचड़ी खाने के बाद भी मैं वहां पे जाके कम से कम 20-25 तो रसगुल्ला खाता था। तो एक दिन ठाकुर जी का किताब पढ़ा कि अगर आप जीवन को उपभोग करना चाहते हैं एक बार में इतना ज्यादा मत खाइए। रसगुल्ला अगर एंजॉय करना चाहते हैं एक बार में इतना ज्यादा नहीं खाके रोज एक एक खाएं। तभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। क्योंकि ठाकुर जी का दीक्षा में सबसे बढ़िया चीज है, ठाकुर जी हम लोगों को कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं बोले। बढ़िया चीज जीवन में ठाकुर जी का दीक्षा ही है, आनंद के लिए, उपभोग के लिए। मैं सोचता हूं ये एकमात्र ऐसा गुरु होंगे जो ऐसा बोले हैं, दीक्षा लीजिए, आनंद कीजिए, लेकिन आनंद करने के लिए, उपभोग करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। जैसा मेरा जो आदत था, इसलिए बाबैदा मेरे ऊपर हमेशा गुस्सा करते थे, अगर उसी तरह मैं रोज अगर 20-25 को रसगुल्ला खाता तो शायद आज तक डायबिटीज में मर जाता। तो जिस तरह मैंने बोला कि एंजॉय करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए स्वास्थ्य और सदाचार का नियम पालन करना जरूरी है, मुझे दादा का संग करके ये धीरे धीरे ज्ञान हुआ कि धर्म क्या है। धर्म यह है, धर्म कुछ नहीं है, देश काल और पात्र के अनुसार मात्रा का ज्ञान। कहीं पर पैर पकड़ना भी धर्म हो सकता है, कहीं पर गला पकड़ना भी धर्म हो सकता है। धर्म के लिए हम लोग क्या क्या नहीं किए हैं आज तक, क्या क्या नहीं किए हैं हम, अपना सब अपना अपना किताबी ज्ञान लेके व अपना साइकोलॉजी को लेके हम बहुत सारे चीज करते हैं। एक बार देवघर गया, मुझे बात बाबैदा बोले ट्यून थक भी, बस इतना ही, ट्यून थक भी। मैं सोचा
क्या बाबैदा बोले, क्योंकि बाबैदा भी इंगितज्ञ है, वो मैं एक चीज आप लोगों से बोलना चाहता हूं, वो बेफुजुल बात नहीं करते हैं, वो फालतू बात नहीं करते हैं, उनका बात को समझने के लिए दिमाग चाहिए। फिर मैं बहुत सोचा, नामधन भी किया, क्या धर्म ठाकुर जी तो इतना सारा चीज बोले हैं, जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार फील्ड वर्क इष्टकर्म ये सी बहुत सारा चीज हम लोग करते हैं, बाबैदा क्या है? एक ही वर्ड में बोल दिया ट्यून्ड थक भी, क्या है ये ट्यून्ड रहना क्या है? फिर धीरे 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 मालूम पड़ा कि वो किस सेंस में ये बात बोले। ठाकुर जी एक बात बोले हैं, जब जिंदगी में हम काम करते हैं, सुबह उठते हैं रात में सोते हैं, सारा दिन भर काम करते रहते हैं, और ये जो काम हम जो कर्म करते रहते हैं, इसके लिए ठाकुर जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, कि आज्ञा चक्र में अगर मन रही नहीं रहेगा कर्म करते समय भी, तो वो आदमी व्यवहारिक माल बन जाता है। ठाकुर बेटा बोले छन जे व्यवहारिक माल, अगर आप जो भी कर्म करते हैं ठाकुर जी अगर दिमाग में नहीं रहते हैं तो हम लोग सही तरीके से कर्म नहीं कर पाए। तब जाके मुझे ख्याल आया कि ये ट्यून रहना क्या है, हम लोगों का जो साधना है, जो कुछ भी हम करते हैं, जो ठाकुर जी बोले हैं वो किस लिए बोले हैं, जजन जादन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार, ये सब इसलिए बोले हैं कि हम लोगों का ठाकुर जी से आचार्य देव जी से ट्यूनिंग डेवलप हो सके। जिस तरह हम लोग अगर गाना सुनना चाहते हैं, रेडियो का जो एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर सही फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, पूरा सही फ्रीक्वेंसी नहीं होने से आपको सुंदर गाना सुनने को नहीं मिलेगा। उसी तरह आप किताब पढ़िएगा, इस हद तक जो लोग किताब लिखे हैं ठाकुर जी के बारे में, बहुत बड़े बड़े उनके जो भक्त लोग हैं वो लोग भी अपना अनुभूति को लेके बहुत सारा किताब लिखे हैं, इस तरह का लिखे हैं कि अगर उस ट्यूनिंग में थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता है तो हम लोगों का निष्ठा में साधना में बहुत त्रुटि आ जाएगा, बहुत त्रुटि आ जाएगा अगर उस ट्यूनिंग में थोड़ा सा भी इधर उधर होता है। प्रैक्टिकली जब हम रेडियो का गाना सुनते हैं, जिस तरह वो एडजस्टमेंट अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो वो चढ़ 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 आवाज करता है, गाना नहीं सुनाई देता है। उसी तरह जीवन में सही पूरा 100% परम पिता के साथ, ठाकुर जी के साथ, आचार्य देव जी के साथ ट्यून रहने के लिए सही 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 हमको जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार करना पड़ेगा। ये सब करने से आपका ट्यूनिंग बेटर होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, जैसा मैं भी सोचता था कि दादा के पास जाने से किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, दादा के पास जाने से नामधन करना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ये सब करना पड़ेगा ताकि आपका गुरु के साथ ट्यूनिंग डेवलप हो। और सबसे बड़ा चीज है, जीवन गुरु का सेवा करने से आपका भीतर में बहुत ही आपका सेंस ग्रो करेगा। जैसा ठाकुर जी बोले हैं, आप लोग किताब में पढ़े होंगे या शायद कहीं पर सत्संग में आलोचना में भी आप लोग सुने होंगे कि कभी कभी ठाकुर जी को ठंड लग रहा है, कोई उसको मने हवा दे रहा है, कभी कभी ठाकुर जी को इच्छा हो रहा है कि थोड़ा धूप उनको मिले, लेकिन कभी कोई लाके उनको उनका सर के ऊपर छाता पकड़ लेता है। ये कहने का मतलब यह है कि गुरु क्या चाहते हैं और हम लोग क्या करते हैं। ट्यूनिंग का अभाव रहने से और जीवंत गुरु का संग और सेवा नहीं करने से आदमी के भीतर सेंस नहीं ग्रो करेगा। आप ईश्वर को समझना बहुत दूर की बात है, ईश्वर बहुत ऊपर में है। घर में जो मेरा बीबी है उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरा बेटा क्या सोचता है उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। ईश्वर तो बहुत ऊपर है, उनको समझ पाना अभी मेरे लिए संभव नहीं। लेकिन जब आप जीवन गुरु का सेवा करते हैं, धीरे 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 बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके आपका सेंस ग्रो करता है, व्हिच इज वेरी एसेंशियल।
विच इज वेरी एसेंशियल। और ठाकुर जी को पकड़ कर ही ठाकुर जी जो इवोल्यूशन बोले हैं, इवोल्यूशन मतलब ये नहीं है कि हमारे सर में सिंह आ जाएगा या पीछे पूछ आ जाएगा, इवोल्यूशन ये है कि अपना हम लोग अपना चेतना को बहुत सूक्ष्म स्तर तक लेके जाए। जिस तरह आज आचार्य देव का भीतर हम लोग ये देखते हैं, महसूस करते हैं, उनका जो सेंस इतना फाइन सेंस है, एक जगह में बैठ कर अगर वो जान पाते हैं कि मैं घर में क्या करता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या गलती करता हूँ, अगर वहां देवघर में बैठ के वो जान पाते हैं। लेकिन मैं पड़ोस में मेरा खुद का घर में एक छत के अंदर हम चार पांच लोग रहते हैं, किसका मन में क्या है हम लोग नहीं जान पाते। और अगर नहीं जान पाते हैं तो हम कैसे उनसे प्रेम करेंगे, कैसे उनको सेवा देंगे। लेकिन गुरु का वास्तव सेवा करने से धीरे धीरे आपका बहुत प्रैक्टिकल सेंस ग्रो करेगा। एक बहुत ही छोटा सा बात मैं बोलूंगा, मेरा दादा के विषय में धारणा था कि दादा त्रिकालज्ञ हैं, तो मुझे इसीलिए मैं हमेशा उनको भगवान के रूप में देखता था। तो एक बार क्या हुआ, जैसे कितना देखिए प्रैक्टिकली गुरु सेवा करना कितना माने सेंस नहीं होने से आप प्रैक्टिकली अपना ऑब्सेशन लेके ही गुरु के पास अगर जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होता है। मैं बस एक छोटा सा घटना बोलूंगा। सुबह सुबह दादा माने जब उठ के नाट मंडप पे बैठते हैं, जब अब तो उनका जो पोता पोती है वो लोग सब बड़े हो गए हैं, अभी कॉलेज पढ़ने लगे हैं, तब अबिंदा बहुत छोटे थे और सिपाहीदा का जो उनका जो बड़ा लड़की है अन्निता माँ वो भी बहुत छोटी थी। तो एक बार बीच बीच में क्या होता था, पूज्यपाद दादा भी उन लोगों को छोड़ने के लिए स्कूल जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, कोई गुरु भाई नहीं था तो दादा का जो नाटमंडल के पीछे एक स्पार्क गाड़ी रहता है, तो दादा क्या किए, तो बच्चे लोगों को स्कूल छोड़ने के लिए दादा मैं था वहां पे, तो दादा मेरे को बोले तो बैठने के लिए, वो दादा खुद गाड़ी चलाए और दादा बच्चे लोगों को स्कूल लेने माने छोड़ने के लिए गए। फिर दादा बच्चे लोगों को उनका स्कूल में छोड़ दिए, दादा ड्राइविंग कर रहे हैं, अकेला मैं बैठा हूँ। ये मेरा जीवन में एक बार ही ये संभव हुआ था कि दादा गाड़ी पूज्य पा दादा गाड़ी चला रहे हैं, उनका स्पार्क गाड़ी, और बगल में मैं बैठा हूँ। मैं आपको आज हकीकत बोलना चाहता हूँ, उस समय में मेरा जो सोच था, जो मैं जो अपना सपने में खो गया, जो मेरा दादा को वास्तव सेवा देना चाहिए था, लेकिन मैं अपना ऑब्सेशन के कारण अपना सपने में खो गया। कैसे ना, बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज एंड उनको उनका आईसाइट का प्रॉब्लम के वजह से ही वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल ड्राइविंग, उनको ड्राइविंग करना थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन वो महसूस मैं नहीं कर पाया, क्योंकि तब मेरे मन में क्या भाव था मैं आपको बोल रहा हूँ, दादा गाड़ी चला रहे हैं, मैं बगल में बैठा हूँ, मैं महाभारत का उस युग में चला गया। सच बोलता हूँ, मैं मन ही मन में सोचने लगा कि आज स्वयं भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं और मैं अर्जुन बैठा हूँ। मेरे मन में बस यही सवाल आया, हे ईश्वर, हे ठाकुर, मेरे लिए कितना बड़ा दिन है, आज मेरा भगवान कृष्ण भगवान रथ चला रहे हैं और मैं अर्जुन बैठा हुआ हूँ। मैं इसी सोच में बस मेरा वहीं पे बैठा रहा और दादा जैसे भी हो कष्ट करके गाड़ी चला के देवघर आए। जैसे दादा उतरे, दादा अपना बेडरूम चले गए, पूजनीय सिपाहीदा गेट में खड़े हुए थे, तो मैं उनके पास में जब तुरंत गया, पूजनीय सिपाहीदा मुस्कुरा के मेरे को बोले, कितना तीर मारा। मुझे बहुत मैंने मन में धक्का लगा। पूजनीय सिपाहीदा हंस के बोल रहे हैं कि कितना तीर मारा, मैं जो अपने आप को अर्जुन समझता था दादा के बगल में बैठ के, मेरे को तो मेरे आई वॉज डम्फाउंडेड, अरे यार सिपाहीदा को कैसे मालूम पड़ा। तो सिपाहीदा तुरंत बोले कि कितना तीर मारा। फिर उन्होंने वो धीरे से बोले कि देख, बाबा का उम्र हो गया है, बाबा को सही तरह से उनका आंख को दिखाई नहीं दे रहा है, उनको विजन का प्रॉब्लम है, तुम एक यंग लड़का है, तुमको बोलना चाहिए था कि बाबा आमा के गाड़ीटा देन, आमी चाला वो, तुम लेकिन ये नहीं किए, क्योंकि मैं अपना भाव में खोया हुआ था। इसी तरह ठाकुर जी बोले हैं
हम अगर अपना ऑब्सेशन को लेके गुरु के पास जाएंगे, गुरु चाह कर भी हम लोगों का भीतर जो भरना चाहते हैं वो भर नहीं पाएंगे। एक बार ठाकुर जी के पास एक आदमी आया था, उसको बीमारी था, तो ठाकुर जी उसको बोले कि जो बाबा धाम है तुम वहां चले जाओ, नारियल फोड़ दो। जो पास में जो भक्त लोग थे वो लोग सब, वो लोग चला गया, ठाकुर जी को बहुत खुश होकर प्रणाम करके वो चला गया। तो फिर ठाकुर जी को ये सवाल किया गया कि आप तो गुरु है, आप जगत को आज क्या फॉर्मूला देके गए हैं, जजन जाजन इष्टवृत्ति सोस्तेनी सदाचार, और आप ये जो इस आदमी का जो बीमारी था उसको अगर कुछ शारीरिक प्रॉब्लम था आप उसको तो आपका विधान नहीं बोले कि आप तुम दीक्षा ठीक ठीक से पालन करो, जजन जाजन इष्टवृत्ति सोस्तेनी सदाचार ठीक ठीक पालन करो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। आपने ऐसा नहीं बोला, आपने उसको कहा कि जाओ बाबा धाम में महादेव के पास, वहां पे जाके एक नारियल फोड़ दो। तो आपने ऐसा क्यों किया? तो ठाकुर जी उसका साइंस बोल रहे हैं कि वो जो आदमी आया वो घर से ही सोच के आया है कि वो अगर बाबा धाम में एक नारियल फोड़ेगा उसका तबीयत ठीक हो जाएगा। तो ठाकुर जी यही बोले कि मैं जैसा कांच में कुछ चीजें हम अगर कांच के भीतर रखते हैं तो हम लोगों को साफ दिखाई देता है, उसी तरह ठाकुर जी भी जान पाते थे कि हमारा मन में क्या है। फिर सवाल यह है कि फिर उनको भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि ठाकुर ताहले अपनी ताके ठीक कथाटा बोलें ना केन। ठाकुर बोलें जे ओ आमार कथाटा सुनार जन्य एखाने आसेनि, वो मेरा बात सुनने के लिए इधर नहीं आया था, वो घर से ही डिसाइड करके आया था कि मैं नारियल फोड़ूंगा जाके महादेव के पास, और मैं जब लोगों को उनका मन का बात बोल देता हूं वो खुश होकर भगवान बोल के खुश होकर चले जाते हैं। मैं लेकिन ठाकुर जी यहीं पर बोले हैं, मैं उसी आदमी को अपना मन का बात बोलता हूं जो अपना मन को साफ करके आता है। अगर हम लोग आज पूज्यपाद दादा हैं, पहले से ही अपना मन में बहुत कुछ ऑब्सेशन लेके जाएंगे, कंडीशन करके जाएंगे, तो दादा सब कुछ जानकर भी हमारा जीवन का मंगल के लिए जो सही चीज होगा, जैसा ठाकुर जी उस आदमी को बोल नहीं पाए, आज भी दादा हमको बोल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप, मैं लास्टली ये सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सबको आह्वान करना चाहता हूं, जीवन में चाहे कितना भी समस्या हो तुरंत जाइए, तुरंत जाइए, दो घर जाइए, लेकिन दिमाग को खाली करके, दिमाग को भर के मत जाइए, कंडीशन करके मत जाइए, पूरा अपना दिमाग को खाली करके जाइए और दादा जो बोलेंगे उसको सुनिए, पालन कीजिए। मैं जरूर कहूंगा, अपना जीवन का अनुभूति से मैं कहूंगा, आप मंगल का अधिकारी जरूर होंगे। मैं बस आज के लिए इतना ही कहूंगा। जय गुरु।